हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज की वीडियो में आप लोगों को जो जैसे जो भी हैचबैक कार है सारी लाइक स्विफ्ट अल्ट्रोज i20 और i10 नियोस इन सभी के मैं एनकैप टेस्ट दिखाऊंगा। जो ये टेस्ट में दिखा रहा हूँ ये ग्लोबल एनकैप दिखा रहा हूँ, बट जो स्विफ्ट है उसके अंदर आपको एशियन का भी दिखा दूंगा और यूरो एनकैप का भी दिखा दूंगा। ग्लोबल एनकैप और यूरो एनकैप और एशियन एनकैप तीनों अलग अलग हैं, उन तीनों का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप कहोगे तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो सीधा स्टार्ट ही करते हैं। तो सबसे पहले स्विफ्ट का ग्लोबल एनकैप टेस्ट है। इसमें स्विफ्ट को चाइल्ड को और अडल्ट को दोनों में ही 2 स्टार मिले हैं। जो ड्राइवर है और जो पैसेंजर है दोनों के जो हेड हैं वो गुड अच्छे तरीके से प्रोटेक्टेड है, बट जो ड्राइवर साइड की चेस्ट है वो वीक है, अच्छे तरीके से प्रोटेक्टेड नहीं है। बट जो पैसेंजर साइड की चेस्ट है वो एडिक्यूट है, मतलब मार्जिनल से ऊपर और गुड से नीचे। और जो पैसेंजर की राइट थाई है वो तो अच्छे तरीके से प्रोटेक्टेड है, बट जो लेफ्ट थाई है वो एडिक्यूट है। वहीं अगर हम ड्राइवर की बात करें तो जो ड्राइवर की थाई है वो मार्जिनल है गुड से नीचे, मतलब बीच का मार्जिनल आप उसको बीच का लगा सकते हो। और जो काफ वाला एरिया है वो एडिक्वेट है मार्जिनल से ऊपर और गुड से नीचे, बट जो फीट हैं ड्राइवर के वो पुअरली प्रोटेक्टेड है। तो ये तो है स्विफ्ट का ग्लोबल एनकैप टेस्ट। अभी जो ये वाला टेस्ट है ये यूरो एनकैप की टेस्ट रेटिंग है। इसमें स्विफ्ट को मिले हैं 3 स्टार मिले हैं, अडल्ट को 83%, चाइल्ड ऑक्यूपेंट को 75%, पेडिस्ट्रियन पीपल को 69% और सेफ्टी असिस्ट में इस गाड़ी को 25% स्कोर किया है। अब बात कर लेते हैं कि कितना क्या उनको सेफ्टी मिली है। जो ड्राइवर है उसके जो ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के जो हेड हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। वहीं अगर पैसेंजर की चेस्ट की बात की जाए तो एडिक्वेट है, मतलब मार्जिनल से ऊपर और गुड से नीचे। और जो ड्राइवर की चेस्ट है वो मार्जिनल है, यानी कि बीच में, ना तो ज़्यादा प्रोटेक्टेड है और ना ही कम प्रोटेक्टेड है। जो पैसेंजर का पूरा पैर है वो अच्छी तरीके से प्रोटेक्टेड है, बट जो ड्राइवर वाला पैर है उसका क्या है, राइट साइड वाला तो प्रोटेक्टेड है बट जो लेफ्ट साइड वाला पैर है वो एडिक्वेट है, यानी कि मार्जिनल से ऊपर और गुड से नीचे। और जो ये मैंने टेस्ट आपको बताया ये स्विफ्ट 2017 का है, मतलब जो करंटली वेरिएंट चल रहा है इसी स्विफ्ट का है, बट ये 2017 में टेस्ट किया गया था। और जो कि इसके अंदर 2 एयरबैग हैं, आइसोफिक्स सीट्स भी इसके अंदर आपको मिल जाती है। फ्रंट में आइसोफिक्स सीट्स नहीं है, ये सेकंड रो की जो सीट्स हैं वहाँ पर आपको आइसोफिक्स सीटें मिलती हैं। और जो ये वाला टेस्ट आप देख रहे हो ये स्विफ्ट का एशियन एनकैप टेस्ट है, जो कि किया गया था 2018 में। इस टेस्ट के अंदर स्विफ्ट को एशियन एनकैप में 4 स्टार रेटिंग स्कोर किया था। अभी जो ड्राइवर साइड है और जो पैसेंजर है दोनों की जो हेड है वो अच्छी तरीके से प्रोटेक्टेड है। एशियन एनकैप के अकॉर्डिंग बट जो उनकी चेस्ट है ड्राइवर की और पैसेंजर की वो एडिक्यूट है, यानी कि मार्जिनल से ऊपर और गुड से नीचे। जैसे लाइन वाइज में बताऊं तो सबसे पहले गुड आता है, देन एडिक्यूट आता है, देन मार्जिनल आता है, देन वीक आता है, देन पुअर आता है। अभी जो पैसेंजर साइड की थाई है और जो पैर वाला पार्ट है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रोटेक्टेड है, यानी कि गुड अच्छी तरीके से प्रोटेक्टेड है।
और जो ड्राइवर है उसका थाई वाला एरिया तो अच्छी तरीके से प्रोटेक्टेड है यानी कि गुड है, और जो काफ का और जो नीचे वाला एरिया बचेगा, जो फिट बच गए, वो एडिक्यूट है यानी कि गुड से एक नीचे की तरफ। तो ये जो टेस्ट आप देख रहे हो ये है अल्ट्रोज का ग्लोबल एनकैप टेस्ट रेटिंग। ये सबसे सेफेस्ट हैचबैक कार, इसको 5 स्टार रेटिंग मिली है एडल्ट ऑक्यूपेंट में, और चाइल्ड के अंदर इसको 3 स्टार रेटिंग मिली है। और जो टेस्ट किया गया है 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया गया है। जो ड्राइवर है और जो पैसेंजर है उनके हेड तो अच्छी तरीके से प्रोटेक्टेड है, बिल्कुल गुड है, और जो दोनों की चेस्ट है वो एडिक्यूट है यानी कि गुड, और जो मार्जिनल के बीच में जो दोनों की थाई है ड्राइवर की और पैसेंजर की, दोनों की बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रोटेक्टेड है यानी कि गुड, और जो साइड की राइट वाली थाई है वो गुड अच्छी तरीके से प्रोटेक्टेड है, बट जो लेफ्ट वाली थाई है वो एडिक्यूट है। वहीं अगर हम बात करें ड्राइवर की, वहाँ पे जो थाई है ड्राइवर की अच्छी तरीके से प्रोटेक्टेड है, बिल्कुल गुड है, और जो काफ वाला एरिया है वो एडिक्यूट है, और जो फीट हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रोटेक्टेड है। तो हैचबैक में जैसे आप सबसे सेफेस्ट कार देखोगे तो आपको सिर्फ इंडिया में ये अल्ट्रोज ही मिलेगी। अभी जो ये टेस्ट आप देख रहे हो ये ग्लोबल एनकैम में ग्रैंड आइटन नियोस का किया गया है। इसके अंदर 2 एयरबैग है, और जो ये टेस्ट है 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया गया है। इसमें अडल्ट में और चाइल्ड में दोनों में ही 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग ली है। अभी जैसे ड्राइवर और जो पैसेंजर है उनके जो हेड हैं वो तो बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रोटेक्टेड है, बट जो चेस्ट है ड्राइवर साइड की वो वीकली प्रोटेक्टेड है। वहीं पैसेंजर साइड जो है वो एडिक्यूट है। जो थाई एरिया है ड्राइवर का एज वेल एज पैसेंजर का वो मार्जिनल है। जो ड्राइवर का राइट वाला काफ है वो तो मार्जिनल है, बट जो लेफ्ट वाली काफ है वो एडिक्यूट है। अगर पैसेंजर की बात की जाए तो जो काफ वाला एरिया है वो एडिक्यूट है। जो ड्राइवर वाला फीट, जो ड्राइवर साइड के फीट हैं वो वीकली प्रोटेक्टेड हैं। अभी जो ये टेस्ट आप देख रहे हो ये ग्लोबल एनकैप में i20 का किया गया है। ये इलीट i20 है, जो नई वाली i20 है अभी वो टेस्ट के लिए नहीं गई है। इसमें क्या है, ग्लोबल एनकैप में इसने 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर की है अडल्ट ऑक्यूपेंट में, और चाइल्ड में इसने 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर की है। जो हेड है ड्राइवर के और पैसेंजर्स के वो तो बिल्कुल गुड प्रोटेक्टेड है, और जो ड्राइवर की चेस्ट है वो मार्जिनल है। पैसेंजर की जो चेस्ट है वो एडिक्यूट है। ड्राइवर के जो थाई वाला एरिया है वो मार्जिनल है। जो पैसेंजर का थाई वाला एरिया है लेफ्ट जो है वो तो एडिक्यूट है, थाई भी और काफ भी, बट जो राइट वाला एरिया है वो मार्जिनल है, और जो काफ है राइट वाले की, पैसेंजर के राइट वाले पैर की, वो गुड है। ड्राइवर की बात की जाए वहाँ पे आपका जो थाई वाला एरिया है वो मार्जिनल है, बट जो काफ है वो एडिक्यूट है, और जो फीट है वो मार्जिनल है। तो गाइज ये था एक ग्लोबल एनकैप टेस्ट रेट इन सभी गाड़ियों के, हैचबैक गाड़ियों के ऊपर। आगे भी मैं आप लोगों को, अगर ये वीडियो पसंद आती तो आगे भी मैं आप लोगों को सभी गाड़ियों के ग्लोबल एनकैप टेस्ट या फिर एशियन यूरो जो भी जिस टेस्ट में भी गाड़ी गई है वो सारे मैं आपको दिखा दूंगा। इसी के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।